सिस्को सिस्टम्स बेंगलुरु हमारे साथ जुड़ रहा है और वो भी आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, सबसे पहले तो मैं इस अवसर के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं समीर गर्दे, सिस्को इंडिया का प्रेसिडेंट हूं। सिस्को में हम विभिन्न तरीकों से वॉलंटियरिंग को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे एम्प्लॉयज वॉलंटियर्स हमेशा अपने प्रयत्नों से समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते रहते हैं। हमारी एक पॉलिसी है, टाइम टू गिव, टू एनकरेज आवर एम्प्लॉयज टू गिव बैक टू सोसाइटी। वी हैव 5 days ऑफ पेड टाइम ऑफ टू वॉलंटियर फॉर अ कॉज और एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर चॉइस। एवरी वॉलंटियर आर इज मैच्ड बाय ₹700 per hour टू द एनजीओ बाय द कंपनी। और पिछले साल सिस्को इंडिया के एम्प्लॉयज ने 35,000 घंटों का वॉलंटियरिंग किया। अब मैं हमारे ऐसे ही एक एम्प्लॉय चैंपियन नैंसी जैन से अपने अनुभव आप सबसे शेयर करने को कहूंगा। नैंसी। थैंक यू समीर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एज अ वॉलंटियर आई एम एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट एजुकेशन बिकॉज आई बिलीव एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। आई स्टार्टेड माई वॉलंटियरिंग जर्नी विद अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड UNI that works with children from low income communities and provides after school learning. इस प्रोग्राम में मैंने एक छोटे से 5 साल के बच्चे के साथ काम किया। मैं उसको इंग्लिश पढ़ाती थी। शुरुआत में वो बच्चा 5 मिनट भी क्लास में बैठ के मेरी बात सुनता नहीं था। जाहिर है 5 साल का बच्चा है, उसको मौज मस्ती की पड़ी रहती थी। लेकिन मेरे 1 साल की टीचिंग में एंड में उस इतना इम्प्रूवमेंट था कि वो 40 से 45 मिनट तक बैठ के मुझसे पढ़ लेता था। उस मेरे एफर्ट्स का ऐसा इम्पैक्ट देख के मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उससे मुझे ये एनकरेजमेंट मिलती है कि मैं गिविंग बैक में अपने आप को जोड़ के रखूं। इस साल मैं एक और एनजीओ के साथ काम कर रही हूं, उसका नाम है ई विद्यालोका। उसमें मैं झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट के KGV विद्यालय के 35 लड़कियों को वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मैथ्स पढ़ाती हूँ। आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ सिस्को where we have such a supportive ecosystem that helps me sustain and drive my passion for giving back. माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं ये सब करती हूँ क्योंकि इससे मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है और सिस्को और सिस्को के एम्प्लॉय से एक सपोर्ट मिलता है। लेकिन बाहर कुछ लोग हैं जो मुझसे ये पूछते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज होने के नाते अगर हम अपने टैक्सेस भर रहे हैं तो हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, बाकी का काम तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। मैं आपका विचार जानना चाहती हूं कि मेरा उनसे क्या जवाब होना चाहिए। थैंक यू। नैंसी, आपको बधाई, आपने अपने आप को इस काम के लिए समर्पित किया है। आपने एक और चीज की तरफ ध्यान जरूर देना, शायद वो आपको काम आएगा। और भी मैं नौजवानों को कहता हूं कि आप भी एक नया एंगल में दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। जिस बच्चे, शरारती बच्चे को आपने बैठना सिखाया, लंबे समय तक एक काम के लिए बैठना सिखाया, आपकी बात सुनने के लिए उसको कॉन्सेंट्रेट करना सिखाया, और आपको एक बहुत बड़ा संतोष है कि आपने उसको बहुत कुछ सिखाया, अब पल भर के लिए सोच लेना कि उसने आपको क्या सिखाया। दुनिया को लगता होगा कि मोदी आज इन सबको सिखा रहा है, हकीकत यह है कि मोदी आप सबसे सीख रहा है। वैसा ही वो बच्चा आपको सिखा रहा था, और उसके कारण जिस बच्चों को शुरू में इस स्थिति पे लाने में आपको 3 वीक गए होंगे, अगर वैसा ही बच्चा आप मिल जाएगा तो हो सकता है आप 2 वीक में कर देंगे। तो 3 वीक से 2 वीक की एफिशिएंसी जो लाया है ना, वो पहले वाला बच्चा आप में लाया। तो ये जो ये 2 वे है जी, ये 2 वे है। एक, उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। आपने एक बहुत बड़ा टची सवाल पूछा है। ये बात सही है कि जो लोग टैक्स देते हैं और ईमानदारी से टैक्स देते हैं, वे कानून को मानने वाले नागरिक हैं, वो समाज का दायित्व समझने वाले नागरिक हैं, और
कुछ छोड़ो यार, झंझट में नहीं पड़ना है, भी जो है दे दो। रेल टिकट के अंदर जो टिकट लेकर के जाता है वो, उसको ये चिंता नहीं होती कि भाई टीसी आएगा तो क्या करेगा, उसको मालूम है कि भाई मुझे बवाल नहीं चाहिए, मैं अपना टिकट लेकर के बैठूंगा। तो ये कानून को मानने वाले वगैरह है नागरिक, और देश के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूं तो कर सकता हूं, इस भाव के भी है। लेकिन जो हम टैक्स देते हैं वो एक व्यवस्था का हिस्सा है, बनी बनाई व्यवस्था के, लेकिन समाज सेवा तो टैक्स प्लस कुछ करे तब होती है जी। और इसलिए टैक्स दे दिया, मैंने अच्छा काम कर लिया, आई अप्रिशिएट। जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, और इन दिनों ईमानदारी से टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ भी रही है, और कुछ लोगों को जो लगता है कि पहले लोग टैक्स नहीं देते थे अब इसलिए दे रहे हैं कि मोदी डंडा चलाता है, जी नहीं, टैक्स देने वालों की संख्या मोदी के कारण नहीं बढ़ रही है, टैक्स देने वालों को विश्वास हुआ है कि उसकी पाई पाई का सही उपयोग हो रहा है, इसलिए वो आगे आ रहा है। और इस देश के टैक्स पेयर को जिस दिन विश्वास हो जाता है कि मेरी पाई पाई का सही उपयोग होता है, इस देश का कोई नागरिक टैक्स चोरी नहीं करेगा, मेरे देश के नागरिकों के प्रति विश्वास है, मेरी श्रद्धा है कि वे कभी गलत करना नहीं चाहते हैं, मजबूरन कर देते होंगे तो हमें ऐसा अवसर देना पड़ेगा ताकि वो मजबूरन उस रास्ते पर न जाए, और ये सरकार का दायित्व है। लेकिन देखिए, मैं मानता हूं कि टैक्स देना ये प्रकृति है, टैक्स न देना विकृति है, लेकिन टैक्स देने के बावजूद भी समाज के लिए कुछ और देना वो संस्कृति है। और इसलिए, और आपको मंदिर में मानो किसी ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जहां पर जाने के लिए मानो टिकट है, लेकिन अंदर जाकर के खुद डोनेशन नहीं करते ना, तब तक आपको संतोष नहीं होता है, आपको लगता है कि भाई वो तो नियम था मैंने दे दिया, लेकिन अंदर जाकर के देता हूं तो होता है। हम कभी मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ जो भी खर्चा करना कह रहे हैं, लेकिन बाद में मन करता है जो पुजारी है उसको कुछ दे के चले भाई, उसको हाथ में कुछ दे दें ताकि मेरे भीतर एक और संतोष प्रकट होता है। हम बहुत बड़े होटल में खाना खाने जाते हैं, बिल तो पे कर दिया है, जो देना था दे दिया, लेकिन फिर भी मन करता था वो बेरे को कुछ दे करके चले यार, गाड़ी में बैठते समय टैक्सी वालों को कुछ दे करके चले। ये जो भाव है ना, वो भाव ही वो टैक्स से प्लस वन वाली व्यवस्था है। और इसलिए मैं समझता हूं कि टैक्स देना अच्छी बात है, ईमानदार टैक्स पेयर देश के लिए शान है, आन है, बान है, उनका गौरव होना चाहिए, लेकिन समाज के अंदर प्रेरणा मिलती है, इसके अतिरिक्त कुछ जब ज्यादा करते हैं तब आप सब लोग इस क्षेत्र में हैं समाज के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। लेकिन अगर एक आईटी प्रोफेशन में बैठा हुआ व्यक्ति 2000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है तो भारत का लाभ करता ही करता है, लेकिन उसको संतोष तब होता है कहीं झाड़ू जगा करके एक घंटा काम करता है तो उसको भी संतोष होता है, देश को भी संतोष होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमने इस दायरे में देखना चाहिए। और नैन्सी, आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा और मैं आपका बहुत आभारी हूं, और मुझे विश्वास है कि मेरी बात सही ढंग से सही जगह पर पहुंची होगी।